जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन आयरन आइटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 2। तो हमें आयरन दे रखा है, ठीक है, तो जो हमारा आयरन का, ठीक है, Fe आयरन होता है, इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होता है मैं लिखता हूँ, इसका होता है आर्गन 3d6 4s2। हमें क्या बोला, n इज इक्वल टू, हमारे गिवन क्या, n इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू, ठीक है, l इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2। तो जो हमारा SpDf यही होता है, इसका l की वैल्यू क्या हो जाता है, अगर मैं l की वैल्यू निकालूँ तो 0 1 2 3, तो d की मतलब क्या कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा 3d, ये हमारा मतलब 3d ऑर्बिटल का, 3d ऑर्बिटल में, ठीक है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 3d में कितना है 6 की पावर, 3d 6 है, यही हमारा, ये हमारा क्या है n है, और ये हमारा क्या हो गया l हो गया, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया l, ये n है, तो इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना परसेंट है 6 इलेक्ट्रॉन की, 3d के पावर कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ये d ऑर्बिटल बनाऊँगा 1 2 3, ठीक है 3d 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया सी आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।